चुड़ैल माँ की बेटी। सूरजनगर के गांव में ध्वनि अपनी माँ सावित्री के साथ रहती थी। ध्वनि का बाप अपनी बेटी की पैदाइश के कुछ महीनों बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। अब ध्वनि 8 साल की हो चुकी थी। माँ, मुझे ये वाली गुड़िया दिलाओ ना। ध्वनि बेटा, तुम्हारे पास कितनी सारी गुड़िया है, तुम उन्हीं से क्यों नहीं खेलती? नहीं माँ, वो ऐसी नहीं है, मुझे यही गुड़िया चाहिए, प्लीज दिलाओ ना, आप दुनिया की सबसे प्यारी मम्मा हो। सावित्री को अपनी बेटी की चमकती हुई आंखों पर दया आ गई। हाँ, ये चमकदार आंखें, अच्छा ठीक है, ले लो, लेकिन इसके बाद मुझसे फिर कोई चीज मत मांगना, हम लोग यहाँ पर कपड़े खरीदने आए हैं। ओके, ये मेरी गुड़िया, ये। ध्वनि बहुत ज्यादा खुश थी और वो नाचती हुई अपनी माँ के साथ चल रही थी। ध्वनि बेटा, इस तरह से मत चलो, देखो कार आ रही है, अरे संभल के। ध्वनि अपनी मस्ती से मगन बस चले जा रही थी। उसे ये खबर ही नहीं थी कि उसके सामने से एक बड़ी गाड़ी आ रही है। लेकिन सावित्री ने ये देख लिया और जल्दी से ध्वनि को उसने खींच लिया, लेकिन बेचारी माँ उस गाड़ी के सामने आकर घायल हो गई। माँ, माँ। बेचारी सावित्री दर्द से कराह रही थी। उसकी एक बाजू और एक टांग बुरी तरह से घायल थे और खून बिल्कुल इस तरह निकल रहा था जैसे मानो कोई झरना बह रहा हो। उसे देखकर बाजार में लोगों की भीड़ लग गई और वो उसे जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंची। नन्ही ध्वनि अपनी माँ को ठीक करने के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़े बैठी हुई थी। भगवान जी, चाहे आप मेरी ये गुड़िया ले लो, लेकिन मेरी मम्मी को मुझे लौटा दो ना। नन्ही ध्वनि रोते हुए भगवान के आगे मिन्नतें कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर, जो सावित्री का इलाज कर रहा था, बाहर आया। डॉक्टर अंकल, मेरी माँ कैसी है? I'm sorry बेटा, तुम्हारी माँ को हम नहीं बचा पाए। ये सुनते ही ध्वनि बहुत जोर जोर से रोने लगी और अपनी माँ को पुकारने लगी। लेकिन सावित्री हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुकी थी। सावित्री के पड़ोसी उसका शरीर अस्पताल से ले आए और सभी विधियों से उसका अंतिम संस्कार किया। बेचारी ध्वनि अब बिन माँ बाप के अनाथ बच्ची थी। सावित्री की मौत के कुछ दिनों तक तो गाँव वालों ने उसका ख्याल रखा, लेकिन एक महीने बाद गाँव के मुखिया धरोहर को वो खटकने लगी। अरे ये बच्ची इतनी सारी जमीन बंगला अकेले हड़प कर बैठी है, जबकि ये सब कुछ तो मेरे हिस्से में आना चाहिए। लगता है कुछ तो करना पड़ेगा। धरोहर ने कुछ ऐसे आदमियों को अपने पास बुलाया जिनका गांव में इक्का चलता था और उनके मन में ध्वनि को लेकर न जाने क्या क्या बातें भर दी। अरे सोचो, जो बच्ची पैदा होते ही अपने बाप को खा गई और जरा सी समझदार होते ही अपनी माँ को खा लिया, क्या वो हमारे गाँव के लिए सुरक्षित है? नहीं, ये लड़की अपशगुनी और मनहूस है, हमें जल्द से जल्द इसकी शादी करके इसे यहाँ से रिहा कर देना चाहिए। कह तो आप सही रहे हो, लेकिन मुखिया जी, इतनी छोटी सी बच्ची की शादी हम किससे करेंगे? वो तो मुझ पर छोड़ दो, तुम बस शादी की तैयारी करो। पूरे गांव में ध्वनि की शादी का ढिंढोरा पिट गया। सुना है मुखिया जी, एक अनाथ लड़की का घर बसवा रहे हैं, कितने अच्छे है ना हमारे मुखिया। सही कहा। सारे गांव को उस बात की खबर लग चुकी थी सिवाय ध्वनि के। वो मासूम बच्ची तो अपने घर में अपनी माँ की तस्वीर के आगे बैठकर रो रही थी कि तभी कुछ लोगों ने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है आप? तुझे तेरे सजन के लिए सजाने वाली। सजन? हाँ, आज तेरी शादी है ना, तू नहीं जानती? ना, अरे ये सब छोड़ो, समय कम है, दुल्हन को सजा दो। हाँ छोड़िए मेरा, मैं कोई दुल्हन नहीं हूँ। अरे ये तो क्या बोल रही है। अभी वो औरतें ध्वनि से बात कर ही रही थीं कि तभी वहाँ गांव का मुखिया आ गया। ध्वनि बेटे, आज तेरी शादी है, और हाँ, मना मत करना वरना। मुखिया आंखों ही आंखों में ध्वनि को डरा कर चला गया। बेचारी बच्ची के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो औरतें उसे तैयार करके चली गई। तब ध्वनि अपने घर से जोर जोर से अपनी माँ की तस्वीर के आगे रोने लगी। अपनी बच्ची की पुकार सुनकर सावित्री की आत्मा स्वर्ग से उसके लिए चुड़ैल रूप में लौट आई, लेकिन वो उसके सामने नहीं आई थी। ध्वनि घर में ही थी कि तभी वो औरतें जो उसे सजाने आई थी वही उसे लेने आ गई। चल ध्वनि, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मुझे नहीं जाना। वो औरतें उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगी कि तभी अचानक बाहर का दरवाजा बंद हो गया और एक औरत जिसका मुंह बहुत भयानक था उन औरतों के सामने आ गई। तुम कौन हो? तेरी मौत। सावित्री ने ऐसे बोलकर उस औरत को मार डाला। अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ,
वरना तुम्हारा भी मैं यही हाल करूंगी। सभी औरतें वहां से भागकर मुखिया के पास आ गईं और उसे सारी बात बता दी। पहले ध्वनि भी उससे डर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो उसकी माँ है तो उसका सारा डर उड़नछू हो गया। माँ, तुम आ गई? तुझे मुसीबत में कैसे छोड़ सकती थी। सावित्री अपनी बेटी से लिपट गई। सावित्री जानती थी कि गांव वाले इतनी आसानी से शांत नहीं होंगे, इसीलिए उसने बाहर जाने को सोचा। बाहर शादी की तैयारियां हो रही थी। सावित्री ने बाहर जाकर सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया। अरे अरे भागो भागो, चुड़ैल चुड़ैल। सभी लोग भागने लगे, लेकिन गांव का मुखिया चालाक था। वो पीछे से एक तांत्रिक के साथ आया और सावित्री को पीछे से जादुई भभूति के रेखा के अंदर कैद कर दिया। अरे लड़की को लेकर आओ, ब्याह आज ही होगा। छोड़ छोड़ दे मुझे। अरे ऐड़ा समझा है क्या? खूब जोर शोर से ढोल ताशे बजने लगे। सावित्री मजबूर थी, वो उस गोल रेखा को पार नहीं कर पा रही थी। गांव के आदमी जबरदस्ती ध्वनि को घर से खींच लाए और एक 60 साल के बूढ़े आदमी से उसकी शादी करवाने लगे। दरिंदे, छोड़ दे मेरी बच्ची को, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। अरे चुप कर बाबा, इस चुड़ैल को ले जाओ और कहीं ऐसी जगह छोड़ना जहां से ये स्वर्ग भी वापस ना जा पाए। मुखिया बड़े हंस हंस कर ध्वनि की शादी उस बुड्ढे से करवा रहा था। बेचारी ध्वनि चीख चीख कर रो रही थी। ये सब कुछ देखकर सावित्री से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस रेखा को फलांग कर बाहर आ गई और पूरी तरह जल गई। अब तुम नहीं बचोगे। कहते हैं कि माँ की ममता अपरंपार है, लेकिन उसी माँ का गुस्सा भी आज चरम सीमा पर था। सावित्री बिना किसी को देखे एक के बाद एक इंसान की जान ले रही थी। उसे इतने गुस्से में देख बूढ़ा दूल्हा तेजी से भागने लगा कि तभी सावित्री ने उसे पकड़ लिया। अपनी पोती की उम्र की लड़की से शादी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? सावित्री बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसने उस बूढ़े आदमी के भी सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब बस मुखिया ही वहां पर बचा हुआ था। अब तुम्हारी बारी है मुखिया जी। अबे तांत्रिक, कुछ कर। आज इस माँ के क्रोध को स्वयं भगवान भी आकर शांत करे, तब भी ये तेरी बलि लिए बिना शांत नहीं होगी। तुझे क्या लगा कि तू मेरी बच्ची की जिंदगी को यूं बर्बाद कर देगा और मैं बस देखती रहूंगी? अरे एक सावित्री थी जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, और एक ये सावित्री है जो यमराज के पास से अपनी बेटी को बचाने खुद लौट आई। लेकिन अब तुझे कौन सी सावित्री बचाएगी? मुझे जाने दो। तू जाएगा लेकिन नरक। ऐसा बोलकर सावित्री ने उसकी भी जान ले ली। धरोहर को मारते ही सावित्री शांत हो गई। माँ, ध्वनि रोते हुए अपनी मरी हुई माँ से लिपट गई। मेरी बच्ची, तू डर मत, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। उस दिन के बाद से सावित्री ने इंसानी रूप लेकर ध्वनि के साथ ही रहना शुरू कर दिया। उस गांव के लोग अब ध्वनि की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, और तभी से सभी उसे चुड़ैल माँ की बेटी बुलाने लगे थे। उर्मिला नगर के स्टेशन पर रात के 12 बजे के करीब एक लड़की ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। अरे नहीं, मुझे यहाँ स्टेशन पर खड़े पूरा 1 घंटा हो गया है, न जाने ये ट्रेन कब आएगी। नंदिनी कभी अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी को देखती तो कभी रेलवे ट्रैक को। रात के 12 भी बस बजने ही वाले थे। स्टेशन पर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं तो चली। नंदिनी ऐसे बोलकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई स्टेशन से बाहर आने लगी कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे ये चांद की चांदनी कहाँ भागी जा रही है? नंदिनी ने जैसे ही पलट कर देखा वहाँ 2 लड़के थे। नंदिनी काफी डर गई और उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन डर की वजह से उसके कदम स्टेशन से बाहर जाने की बजाय अंदर की तरफ ही भागे। अरे मैडम, हमसे डरो मत। वो लड़के भी नंदिनी के पीछे ही भागने लगे और उन्होंने आगे पीछे से उसे घेर लिया। क्या चाहते हो मुझसे, चले जाओ। ऐसे कैसे? ऐसे बोलकर करण नंदिनी के पास आ गया और वो दोनों दरिंदे उसे छेड़ने लगे। नंदिनी ने करण की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया और उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ मारकर फिर से भागना शुरू कर दिया। तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे भाई को मारे। राम भी नंदिनी के पीछे भागने लगा कि तभी उसे उसके कंधे पर कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। नंदिनी एक छोटी सी वहीं स्टेशन पर बनी दुकान के पीछे जाकर छिप गई। कहाँ गई वो? अरे कहीं भी हो, हमसे बचकर कहाँ जाएगी। वो दोनों उसे ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें नंदिनी की पीठ दिखाई दी जो रेलवे ट्रैक की तरफ भागकर जा रही थी। वो रही, चल पकड़ते हैं। दोनों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसका पीछा करते हुए वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। वो ट्रैक पर भी उल्टी ही खड़ी हुई थी।
अब कहाँ जाएगी। करण ऐसे बोलकर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, अचानक ही वो नंदिनी जैसे कपड़ों वाली लड़की पलट गई। लेकिन वो नंदिनी नहीं, वो तो एक चुड़ैल थी। चुड़ैल? तुम एक चुड़ैल हो? हाँ, बहुत शौक है ना तुम्हें इंसानी लड़कियों को छेड़ने का। अब मेरे साथ छेड़खानी करके दिखाओ, दिखाओ, अरे दिखा भी। उन दोनों को मानो सांप सूंघ गया हो। हमें जाने दो, आपसे हम किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। राम ने ऐसा बोला ही था कि तभी वहाँ तीन भूत, जिनमें से एक बच्चा था और एक बूढ़ी चुड़ैल और आ गई। बोलो, जाने दो क्या इन्हें? ऐसे लड़के अपने समाज का नाम ही डुबोते हैं, इन्हें जाने देना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इन्हें कहीं भी मत जाने दो। हमारा काम है इंसाफ लाना और अच्छाई फैलाना, और जब तक बुराई खत्म नहीं होगी तब तक अच्छाई कैसे आएगी। सही कहा, खत्म कर दो इन्हें। पांचों भूत चुड़ैलों ने उन्हें घेर लिया और उन दोनों को जान से मार डाला। नंदिनी अभी भी उस छोटी दुकान के पीछे ही छुपी हुई थी। उस स्टेशन पर इतने सारे भूत चुड़ैल आए कहां से थे और उन्होंने नंदिनी की मदद क्यों की, आइए जानते हैं। उर्मिला नगर में मोना और उसका परिवार सभी एक साथ रहते थे। उसके परिवार में उसका पति वंश, एक छोटा 6 साल का बेटा ध्रुव, सास सरला और ससुर गौतम था। वो लोग काफी गरीब थे और एक मिट्टी के घर में अपना गुजारा करते थे। मोना का सपना था कि वो पुलिस बने और अपने देश से आतंकवाद और बुराई को खत्म करे। उसकी सबकी ट्रेनिंग और पढ़ाई भी जारी थी। ले बहू, तो सुबह से इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रही है, थोड़ा सा दूध पी ले। माँ, इतना सारा दूध? रहने दो, इसमें तो पूरे घर की चाय बन जाएगी। चाय भी बन ही जाएगी, तू तैयारी कर रही है ना, तो ये तेरे लिए अच्छा है। मोना का ससुराल बड़ा ही अच्छा था। वो उसे उसके सपने तक पहुंचाने में मोना की पूरी पूरी मदद करता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि एक दिन, माँ माँ जल्दी देखो, गाड़ी गाड़ी। हाँ लल्ला, गाड़ी तो क्या हुआ? छोटा ध्रुव न जाने क्या बोलना चाहता था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आया, और बाहर का मंजर देख मोना हैरान रह गई। अरे नहीं, ये आप लोग क्या कह रहे हो? मैडम, जल्दी से जगह को खाली करो, सरकार का ऑर्डर है कि यहाँ पर एक मॉल बनाया जाएगा। अच्छा, अमीरों के लिए आप मॉल बना दोगे, और हम गरीबों का क्या? हमारा यहाँ बसेरा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे क्या पता। मैडम जल्दी करो, और अगर अंदर कोई और भी हो तो उसे भी बाहर ले आओ, वरना हम ये बुलडोजर चढ़ा देंगे। मोना बेचारी बेबस थी, गरीबों की कोई सुनता ही कहाँ है। मोना अपने परिवार के साथ अपनी एकमात्र संपत्ति, अपना घर भी छोड़ आई। अब उनके पास रहने को जगह नहीं थी, इसीलिए वो उर्मिला नगर के रेलवे स्टेशन पर ही रहने लगे। माँ बाबा, मुझे माफ कर दो, अगर आप लोगों ने मेरी पुलिस की पढ़ाई में पैसा न लगाया होता तो आज वो पैसा इन बेबसी के दिनों में काम आ जाता। ये तू कैसी बातें कर रही है बहू, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये छोटी छोटी मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, और एक बार तो पुलिस बन गई तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे, मुझे यकीन है। अपने परिवार का खुद पर इतना विश्वास देख मोना की आंखें नम हो गईं। तू हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, और अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। फिर क्या था, पूरा परिवार वहीं रेलवे स्टेशन पर झोपड़ी बनाकर अपना गुजारा करने लगा। पूरे परिवार ने स्टेशन पर ही काम ढूंढ लिया, जैसे स्टेशन की झाड़ू लगाना, आने जाने वाले लोगों का सामान ढोना वगैरह वगैरह, और उन्हीं कामों को करके वो अपनी बहू के एग्जाम के लिए भी पैसे जमा करने लगे। मेरे मायके में भी मेरे सपने को ये अहमियत नहीं मिली जो मुझे मेरे ससुराल वालों से मिल रही है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। ऐसे ही पूरे परिवार की मेहनत जारी थी कि एक दिन स्टेशन पर ही काम करते हुए एक जोर का भूचाल आ गया, जिसकी वजह से सारा जमीन आसमान कांप उठा और स्टेशन का लैंटर जमीन पर आ गिरा। इसी आपदा ने मोना के परिवार की भी जान ले ली। लेकिन ऐसी अकाल मौत के बाद किसी की भी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई, और देश से बुराई खत्म करने और अपने परिवार की मेहनत मोना और उसके परिवार को वापस ले आई, लेकिन इंसानी नहीं, भूत और चुड़ैलों के रूप में। उस दिन के बाद से उन सभी की आत्मा स्टेशन पर ही भटक रही है, और हर एक बुरे इंसान को मोना और उसका परिवार मार देता है। यही नंदिनी को छेड़ने वालों के साथ भी हुआ। अरे, यहाँ छिपी छिपी कब मेरी आंख लग गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। नंदिनी डरती हुई स्टेशन पर निकल आई। सवेरा हो चला है। नंदिनी ने स्टेशन पर सभी तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था।
भूत चुड़ैलों की वजह से लोगों ने उस स्टेशन पर आना बहुत कम कर दिया था। हालांकि वो भूत चुड़ैल अच्छे लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन फिर भी। मैं पूरी रात यहीं थी, वो लड़के शायद चले गए, ना जाने ट्रेन कब आएगी, मुझे घर चलना चाहिए। नंदिनी ऐसे बोल ही रही थी कि एक लड़का भागा हुआ उसके पास आया। नंदिनी, थैंक गॉड कि तुम सही हो, मैं बहुत डर गया था। तुम आ गए, पता है क्या हुआ यहाँ? नंदिनी राहुल के साथ जाते हुए सारी बातें उसे बताने लगी। दूर वहीं स्टेशन पर लटकी मोना उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। किसी को साफ साफ नहीं पता था कि आखिर उस स्टेशन पर क्या है। वो भूत चुड़ैल इसी तरह बुरे लोगों को मार डालते और मोना इंसानी न सही चुड़ैल के रूप में अपना सपना जी रही थी। आज भी वो स्टेशन पर आने जाने वाले बुरे लोगों को नहीं छोड़ती है।